दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि आप बाहर फोटोज़ ले रहे हो और लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन होता है। एक तरफ धूप होती है तो दूसरी तरफ छाव, और ऐसे में यूजुअली आपका कैमरा कंफ्यूज हो जाता है। और अगर आप लाइट वाली तरफ फोकस करते हैं तो छाव वाला पोर्शन डार्क दिखने लगता है, और अगर आप छाव वाले पोर्शन पे कैमरे पे टैप करते तो लाइट वाला पोर्शन बर्न आउट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में आप अपने कैमरे पे HDR मोड का यूज़ कर सकते हैं अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए। लेकिन ये HDR मोड होता क्या है और ये काम कैसे करता है और एग्जैक्टली कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत मुखर्जी, आप देख रहे हैं गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HDR के फुल फॉर्म से और इसका मतलब क्या है। HDR का फुल फॉर्म है हाई डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज का मतलब होता है किसी भी फोटो में लाइट और डार्कनेस का रेशियो। तो जब भी आप HDR मोड में फोटो लेते हैं, आपका फोन एक नहीं बल्कि तीन फोटोज लेता है, एक लो एक्सपोजर में, एक नॉर्मल एक्सपोजर में और एक हाई एक्सपोजर में। और उसके बाद आपके फोन का प्रोसेसर उन तीनों फोटोज को कंबाइन करता है और तभी आपको वो इवनली लिट फोटो मिलती है जिसमें लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बराबर होता है। तो ऐसे HDR मोड काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि HDR मोड आखिर कब यूज़ करना चाहिए। देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो तभी HDR मोड काम करता है। तो जैसे आउटडोर शूट्स में अगेंस्ट द लाइट अगर आप फोटो ले रहे हो, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ऐसे में आपको हमेशा HDR मोड यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने फ़ोन का ऑटो मोड यूज़ करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसमें या तो आपकी शक्ल डार्क आएगी या बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज आएगा, तो उस समय HDR यूज़ करना मत भूलें। तो जैसे जब मैं वाराणसी गया था गूगल पिक्सल का कैमरा रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने सुबह काफ़ी शॉट्स लिए थे और उस समय HDR मोड मेरे काफ़ी काम आया था, काफ़ी अच्छे शॉट्स उभर के आए थे। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि आप HDR मोड हमेशा स्टिल ऑब्जेक्ट्स को शूट करते समय ही यूज़ करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDR मोड में आपका फ़ोन एक नहीं बल्कि तीन फोटोज़ लेता है और उनको कंबाइन करता है। तो अगर फोटोज़ में मूवमेंट ज़्यादा होगी तो एक ब्लर इफेक्ट आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा रात में HDR मोड यूज़ करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। अगर आपके फ़ोन में नाइट मोड है तो आप उसे ही यूज़ करें। अब जहाँ तक फ़ोन कैमरास की बात करें, तो आजकल ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप्स में HDR मोड ऑलरेडी होता है। कई फ़ोन्स में तो ऑटो HDR इनेबल्ड होता है और जब भी आप फ़ोटो लेने जाओ तो वो अपने आप ही उसे HDR मोड में लेता है। तो ऐसे तो HDR मोड के लिए किसी स्पेसिफिक ऐप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में HDR मोड नहीं अवेलेबल है तो कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स है जिनकी आप मदद ले सकते हैं। ऐसा एक ऐप है ओपन कैमरा ऐप, काफ़ी पॉपुलर ऐप है और इसमें कई सारे फीचर्स है, ऑप्शंस है, और इसमें एक फीचर HDR मोड का भी है। इसमें ऑटो HDR भी आपको मिल जाता है। तो इस ऐप के ज़रिए अगर आपके फ़ोन कैमरा में HDR मोड नहीं है तो इस ऐप के ज़रिए आप वो फ़ोटोज़ HDR में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था HDR मोड के बारे में हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके कॉमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। HDR मोड के बारे में अगर आपको कोई और नॉलेज हो जो हम लोगों ने नहीं बताई हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगली बार तक के लिए दोस्तों, अभिजीत की तरफ से अलविदा।